आज हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। सुरीली के कुछ अपडेट्स हैं, यशोदा काना के बारे में एक अपडेट है, उनकी वजह से जो हमें जरा सा इशू हुआ है उस बारे में बात करनी है। साहिल ने रिस्क लेते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एक जान बचाने में मदद करी, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, एक ऐसा अपडेट मैं आपको दे दूं जो आप में से बहुत से लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं उस साइड पे आया हूं जहां पे हमारे अस्पताल का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको बताया था हमने दो पेड़ शिफ्ट किए हैं, वो दोनों पेड़ ठीक से जम गए हैं। ये है हमारे रेस्क्यू हीरो साहिल भाई, और साहिल भाई के साथ है हमारी सुरीली। सुरीली हमारी रेजिडेंट काफ है, हमारी सबसे क्यूट बच्चिया है और सबसे छोटी बच्चिया भी है। कुछ समय से सुरीली को एक इन्फेक्शन हो रहा है, इसके जो बाल है वो जा रहे हैं जगह जगह से, और ये पैचेस में जा रहे हैं इसके बाल। तो हमने स्किन स्क्रैप लिया था, तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। पहले कोकोनट ऑयल यूज कर रहे थे, अभी कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे इसके बाल आ रहे हैं। सुरीली का एक अपडेट और है जिसको देखने के लिए आपको एंड तक बने रहना होगा। अब ये जो अगला केस है इसका नाम मैंने सड़क छाप सजेस्ट किया था, जो यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं आया, तो इसका नाम आप सजेस्ट करिएगा। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ और दे दूँ, हमारे इंस्टाग्राम पे 2,00,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, और इस अचीवमेंट का श्रेय सिर्फ हमें नहीं आपको भी जाता है। एक और जो रेस्क्यू आया है वो बेचारा ये डॉग है, जो टार होती है जो रोड की मेटलिंग करने के दौरान इस्तेमाल होती है, इसके ऊपर वो लगी हुई है, साथ ही में इसको गर्दन के ऊपर एक मैगेट वुंड है। इस डॉग के लिए हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, अब इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। कल लकीली जब संजय जी शाम को हमारे वर्किंग आवर के बाद रात में थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉग उनके सामने ही है, तब हमने साहिल को भेजा और वो लोग इसको तुरंत से उठा कर लेके आए। उसको लुक भी लगी है, उसके लिए हम उसको टार्पिन के तेल से निकालेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से तो निकलेगी नहीं, क्योंकि स्किन भी साथ जाती है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके रोज उसको निकालने की कोशिश करेंगे। आपको यशोदा और कान्हा तो याद होंगे, सन और मॉम ड्यूओ जो हमारे पास जन्माष्टमी वाले दिन आए थे, और इसीलिए हमने इनका नाम यशोदा और कान्हा भी रखा था। कान्हा तो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पहले तो यशोदा बिल्कुल ही अधमरी सी थी, बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी, ऐसा कुछ पता नहीं चला पहले कि उसके किसी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत हो सकती। फिर धीरे धीरे वो ठीक हुई, वो थोड़ा उठ के बैठने लगी, जैसे जैसे उसके जख्म में दर्द कम हुआ, तब हमें पता चला कि उसकी एक हाथ में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है। एग्जामिनेशन करने में पता चला कि उसमें कोई सेंसेशन भी नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं था पर नर्व डैमेज काफी ज्यादा हुआ पड़ा। अभी हम इसके नर्व टॉनिक शुरू करेंगे। और कान्हा बहुत क्यूट है, जो एक टक लगा के देख रहा है ना, ये कभी कभी क्या करता है कि जब मैं इनके ये क्रेट के पास जाती हूँ तो ये मुझे गोप्रो छीनने के लिए बोलता है कि मुझे गोप्रो दे दो। अब यशोदा और कान्हा के सिलसिले में एक सज्जन का निरंतर हमें फोन आता रहा, जो हमें धमकाते रहे। उनके अनुसार हमने इनका नाम यशोदा और कान्हा रख के भगवान की डिसरिस्पेक्ट की है। उन्होंने मेरे धर्म पे भी सवाल उठाया, मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं हिंदू हूँ, कृष्ण जी का तो मैं फैन बॉय टाइप हूँ, हमने इनका नाम यशोदा और कान्हा इसलिए रखा है कि भाई ये जन्माष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ आए थे और आप लोगों ने, ऑडियंस ने ही हमें ये नाम सजेस्ट किए। पर वो अपनी बात पर अड़िग रहे, उन्होंने बताया कि वो एक बहुत बड़े संगठन का भाग हैं और वो हमारे लिए बड़ी समस्याएं खड़ी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें इनका नाम बदलना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है? मुकुल चौधरी जी ने पोहाड़ा से हमें एक लंगूर के बारे में कॉल किया जिसको करंट लग गया था। हमने उन्हें कहा कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को संपर्क करें, लेकिन उनके हाथ वो आया नहीं। उन्होंने हमें संपर्क किया और यहाँ से साहिल ने जाके उस लंगूर को पकड़ लिया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सौंप दिया। मैं ज्योति के साथ आई हूँ हमारे न्यू रेस्क्यू से मिलने। ये आई है कांगड़ा से, इसके लिए हमें डॉक्टर स्मृति ने कॉल किया था, पहले भी इसके लिए आया था लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं थी, और इसका ट्यूमर है जहाँ भी बर्स्ट हुआ है, इसका ट्यूमर ऐसी जगह पे है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, ये हार्ट के पास है। बूढ़े डॉग्स का इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी सर्वाइव करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। हम इसको भेजेंगे पालमपुर में, वहाँ पे इसकी सर्जरी होगी। हमारे पास एक बहुत ही टाइनी रेस्क्यू आया है, ये 7 दिन का एक बिल्ला है। वसुंधरा जी ने मुझे कल कॉल किया था, उनके घर के बाहर जिस कैट ने बच्चे दिए थे वो उसे छोड़ कर चली गई है। मे बी ये बहुत ज्यादा वीक होगा, लास्ट बच्चा होगा उनके लेटर का, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। अब वो केयर तो कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुत नाजुक और बहुत छोटा सा है, तब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट करना बेटर समझा। और घरे में इसको फॉस्टर कर रही है, राइट? हाँ जी। आना जी हमारे पास पालमपुर से आए थे, इनकी जो फ्रंट राइट लेग है वो फ्रैक्चर्ड थी, उस पे हमने स्प्लिंटिंग की थी, उसका फ्रैक्चर हील हो गया, तो आज स्प्लिंट खोल दिया गया है। थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉपर वेट लेने में, प्रॉपर चलने में, और तब तक इसका वुंड भी हील हो जाएगा, हम इसको फिर उसके बाद रिलीज कर देंगे। गुठली आया था हमारे पास झगवार से, और उसको बॉडी पे जगह 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 मैगेट वुंड्स थे। रिकवर अच्छी कर रही थी, इसके वुंड्स भी हील कर रहे थे, और जानकी उसको भी उसका बच्चे की डेथ हो गई थी, प्रीमैच्योर बर्थ हुआ था उसके काफ का, उसका वो दूध पी रही थी, बिल्कुल हेल्दी थी,
पर यहाँ पे जैसे मौसम बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है, जिस वजह से जानवरों का टेम्परेचर भी लो जा सकता है। तो यही हुआ गुटली के साथ भी कि रात को उसका टेम्परेचर लो हुआ और हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब अगले साल तक जब हमारा बड़ा अस्पताल बन के रेडी हो जाएगा, उसमें काफ्स के लिए एक अलग सेक्शन रहेगा और गुठली जैसे बछड़ों को हम बेहतर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और ईमानदारी से मुझे नहीं पता कि गुठली के लिए क्या बेहतर है, यहाँ पे चुपचाप इस दुनिया से गुजर जाना या ठीक होके सड़कों पे जाना, दर दर भटकना और किसी गाड़ी से टकरा के फिर अंततः मर जाना। हमारे ये साजन भाई साहब जो है, इनको सर के ऊपर इनको मैगेट वुंड था, मैगेट वुंड इनका धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये एक और हमारे भाई साहब है जिनका नाम है थानेदार, ये जानकी इनको दोस्त बन गई है। लेकिन थानेदार वैसे बहुत गुस्सैल है और वो हर किसी से लड़ाई करते हैं। तो थानेदार ने क्या किया था, हमारे साजन जी को मारा था एक लड़ाई में। उस दिन थानेदार खुल गया था, उसने अपनी रस्सी तोड़ दी थी और ये इसको साजन को उसने मारा था, इस साइड पलट दिया था। कमल जो तुम्हारा सारे आए उन्हें छुड़ाया और उसके बाद इसको राइट शोल्डर में स्वेलिंग आ गई थी और लंगड़ा के चल रहा था। फिर हमने इंजेक्शन वगैरह दिए पेन किलर के, तभी ये काफी बेटर है। ये कोकेलो है, कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा का जो जेल होता है उसका मिश्रण है। हाँ जी, हाय, कैसे हो आप? हेलो। और ये लगाया जा रहा है सुरीली के जो ये स्किन है जहाँ से बाल निकल गए हैं पैचेस में, वहाँ लगाया जा रहा है। आजकल ये क्या नए कारनामे कर रही है? बेड पे पोटी कर दी थी रात में। अरे वाह, अरे वाह, मेरे को साफ करना पड़ा रात में। आपको ना यहाँ पे हमारी सुरीली की जितनी अपडेट्स है उसमें आपको वेरिएशन दिखेंगे। जो पहला अपडेट आया था और जो दूसरा अपडेट आया था उसमें कमल भाई बहुत एक्साइटेड थे कि नया मेहमान घर पे आया है, सुरीली की मॉम बने हैं नए नए ये। और अब धीरे धीरे जैसे मॉम्स इन जनरल होती ना, मेरे बच्चे ने बेड पे पॉटी कर दी, उसका डाइपर चेंज करना पड़ गया, अब एग्जैक्टली वो ट्रेट्स आ रहे हैं कमल भाई में। मैंने आपको कहा था मैं आपको उस साइट पे ले जाऊंगा जहाँ पे हम अस्पताल बना रहे हैं। तो मेरे पीछे यहाँ पे ये नींव खुद रही है, ये सबसे पीछे वाले कमरे हैं जहाँ किचन रहेगा, इसके आगे कल कैनल्स वगैरह की खुदाई होगी, इसके बाद हमारी जो एनिमल्स को हेल्प करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम यहाँ पे जितने जानवरों की मदद करते हैं ना, उससे कई गुना जानवरों की मदद हम अवेयरनेस करके करते हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए हम तो सिर्फ आपको कहानियाँ सुना सकते हैं, इन कहानियों को आगे सिर्फ आप पहुँचा सकते हैं। तो हमारे जिस भी मैसेज से आप सहमत हैं उसको शेयर ज़रूर करिए और अपने और दोस्तों को हमारे साथ ज़रूर जोड़िए। थैंक यू।